बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दोपहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। जिस हेलीकॉप्टर के साथ यह हादसा हुआ वो भारतीय वायुसेना का MI-17V5 था। डबल इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसी हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS बिपिन रावत का निधन हो गया है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें 14 लोग सवार थे। CDS रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। आपको बता दें, ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत अन्य लोगों के साथ CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को गुरुवार शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।